यह कहानी है इतिहास के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, शिक्षक एवं राजनीतिक चाणक्य की। आचार्य विष्णुगुप्त का जन्म 375 ईसा पूर्व अर्थात वर्तमान समय से 2375 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। आचार्य चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आचार्य चाणक्य ने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। आचार्य चाणक्य को धातु कर्म, औषधि विज्ञान तथा ज्योतिष विज्ञान की गहन समझ थी। आचार्य चाणक्य ने अपनी शिक्षा प्रमुख रूप से दंड नीति अर्थात राजनीति तथा अर्थशास्त्र में प्राप्त की थी। आचार्य चाणक्य के पिता का नाम आचार्य चाणक्य था। आचार्य चाणक्य के परम मित्र आचार्य सक्तार तब मगध, जो कि उस समय के सबसे विशाल राज्य था, के महामंत्री थे। आचार्य चाणक्य तथा आचार्य सक्तार मगध के तत्कालीन सम्राट दयानंद से बहुत रुष्ट थे। इसका कारण था सम्राट दयानंद का जनता के प्रति उदासीन एवं निष्क्रिय व्यवहार। सम्राट दयानंद जनता से प्रत्येक वस्तु पर कर वसूल करता था। सम्राट के ऐसे व्यवहार के कारण आचार्य चाणक्य तथा महामंत्री सक्तार ने दयानंद के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। और जब वे दोनों इस विद्रोह का नेतृत्व करते हुए जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, तभी सम्राट दयानंद ने वहां आकर उस विद्रोह को कुचल दिया। इस घटना के कारण दयानंद ने महामंत्री सक्तार को उनके पद से हटा दिया तथा कारावास में भेज दिया। दूसरी ओर आचार्य चाणक्य को नगर से निर्वासित करने का आदेश पारित कर दिया। मगर नगर की जनता को यह ज्ञात न था कि दयानंद ने आचार्य चाणक्य को निर्वासित नहीं किया वरन उनकी हत्या भी करवा दी। इन सब के बीच एक बालक विष्णुगुप्त, जो ये सब होते हुए देख रहा था, उसके अंदर ये ज्वाला और अधिक बढ़ती जा रही थी कि एक शासक इस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग कैसे कर सकता है। यहीं से विष्णुगुप्त ने निश्चय किया और नगर के एक श्रेष्ठी, जो कि तक्षशिला की ओर जा रहे थे, उनके साथ तक्षशिला प्रस्थान किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय से 8 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत विष्णुगुप्त नगर तथा भारतवर्ष के राजनीति शास्त्र के सबसे विद्वान व्यक्ति के रूप में विख्यात हो चुके थे। उनकी इसी योग्यता के कारण तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक ने छात्र रहे विष्णुगुप्त को आचार्य विष्णुगुप्त अर्थात आचार्य चाणक्य बना दिया। दूर यवन देश से वहां का सम्राट अलेक्जेंडर अथवा सिकंदर कई राष्ट्र को जीतता हुआ विश्व विजय की कामना से भारतवर्ष की ओर कदम बढ़ा चुका था। अलेक्जेंडर को भारतवर्ष में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम केकई प्रदेश से युद्ध करना था। केकई ने यवन सेना की भरपूर हानि की, परंतु युद्ध नहीं जीत पाए। तब अलेक्जेंडर ने सम्राट पुरु को उनका राज्य वापस लौटा दिया, परंतु एक शर्त रखी कि सम्राट पुरु को भारत विजय के अभियान में यवन सेना का साथ देना होगा। सम्राट पुरु के समक्ष और कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने शर्त मान ली। दूसरी ओर तक्षशिला के सम्राट जाम्बी ने अलेक्जेंडर से संधि कर ली। इन सभी घटनाओं की सूचना मिलते ही आचार्य चाणक्य मगध की ओर प्रस्थान किए, क्योंकि वे जानते थे कि यवन सेना से युद्ध के लिए सबसे अधिक सामर्थ्य मगध के पास ही था, क्योंकि मगध उस समय सबसे विशाल तथा समृद्ध प्रदेश था। मगध की ओर यात्रा में उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक बालक सम्राट बना हुआ है तथा कुछ बालक सैनिक एवं कुछ बालक प्रजा बने हुए हैं। ये बालक प्रजा के साथ न्याय कर रहा था। यह देखकर आचार्य चाणक्य अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उस बालक से उसका नाम पूछा, तो बालक ने आचार्य को प्रणाम करते हुए बताया, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। तब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से उसके आचार्य के संबंध में प्रश्न किया। इस पर उस बालक ने सिर नीचे झुका लिया। आचार्य चाणक्य उसके मौन का अर्थ समझ गए तथा उससे कहा, चिंता मत करो चंद्रगुप्त, आज से मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। तब बालक चंद्रगुप्त ने आचार्य के चरण स्पर्श किए। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाते हैं। आचार्य चाणक्य नगर से प्रस्थान कर मगध के राजप्रासाद पहुंचते हैं। वहां पर जब आचार्य चाणक्य सम्राट दयानंद के समक्ष अलेक्जेंडर के आक्रमण की समस्या रखते हैं, तो दयानंद कहता है, ये ब्राह्मण भिक्षा चाहिए तो मांग ले, परंतु मुझे राजनीति की शिक्षा न दे, अलेक्जेंडर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आचार्य चाणक्य जब वापस अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, तो दयानंद अपने सैनिकों को आचार्य को राजमहल के बाहर निकालने का आदेश दे देते हैं। सैनिक आचार्य को बाहर भूमि पर पटक देते हैं, जिससे आचार्य की शिखा खुल जाती है। आचार्य चाणक्य अत्यंत क्रोधित होते हैं तथा प्रण लेते हैं कि दयानंद, जब तक तुझे तेरे पद से विस्थापित कर एक अखंड भारत का सम्राट खड़ा न कर दूं, तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। वहां से आचार्य वापस तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर देते हैं और चंद्रगुप्त को भी अपने साथ ले लेते हैं। तक्षशिला में पहुंचकर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की शिक्षा का कार्य आरंभ कर देते हैं। जैसे जैसे चंद्रगुप्त युवा हो रहा था, वैसे वैसे केकई राज गुरु के समर्थन से अलेक्जेंडर का साम्राज्य भी पल्लवित हो रहा था। अब आचार्य चाणक्य ने गुरुकुल के माध्यम से सभी छात्रों को राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु आगे आने के लिए प्रेरित किया। अब गुरुकुल
गुरुकुल का प्रत्येक छात्र अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर था। इन्हीं छात्रों तथा कुछ सेवानिवृत्त सैनिकों को युद्ध के लिए तत्पर कर यवन सेना के प्रति विद्रोह की ज्वाला को प्रज्वलित किया जाने लगा, जिससे आक्रांताओं के प्रति सामूहिक असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में छात्रों की सेना छोटे छोटे प्रदेशों में प्रवेश कर वहाँ जनता का प्रचुर समर्थन जुटाती तथा इसी समर्थन के दम पर प्रत्येक प्रदेश को कुमार चंद्रगो की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। कुमार चंद्रगो राज्य वापस लौटा देते, परंतु शर्त के साथ कि उन सभी राज्यों को कुमार चंद्रगो की सेना का साथ देना होगा। यवन सेना द्वारा भारतीय सेना को विद्रोही समझा जाता था तथा इसे हीन दृष्टि से देखा जाता था, परंतु यवन सेना को यह भय भी था कि कहीं उनकी सेना के भारतीय सैनिक विद्रोही सेना में सम्मिलित न हो जाए। भारतीय सेना एक एक कर कई छोटे राज्य को अपने साथ कर चुकी थी। फिर एक रात्रि को इस सेना की दो टुकड़ियों ने यवन सेना के स्कंदावर अर्थात शिविर की ओर प्रस्थान किया और उस स्कंदावर में आग लगा दी। इससे यवन सेना के वहां के सत्रप की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण यवन सेना ने अपने राष्ट्र वापस लौटने का आग्रह किया, परंतु इस आग्रह को अलेक्जेंडर ने ठुकरा दिया तथा तक्षशिला सम्राट आम्बी के पास संदेश भिजवाया और उन्हें इस विद्रोह को कुचलने की आज्ञा दी। जब आम्बी ने इस संबंध में अपने मंत्रियों से चर्चा की तो सबने उन्हें समझाया कि इस सेना के पीछे गुरुकुल का बल है, इसलिए अगर इस सेना को तनिक भी हानि पहुंचाने का प्रयास हुआ तो तक्षशिला में ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस कारण आम्बी आचार्य चाणक्य से मिलते हैं और इस विद्रोह को समाप्त करने का आग्रह करते हैं। आचार्य चाणक्य कुमार आम्बी को समझा कर उन्हें भी अपने साथ मिला देते हैं। यवन सेना अब युद्ध के लिए आगे बढ़ रही थी। इसी यात्रा के दौरान कुछ ब्राह्मण अलेक्जेंडर का उपहास करते हुए यवन सेना से आगे एक एक कदम कूद कूद कर जा रहे थे। अलेक्जेंडर ने सेना को रुकने का आदेश दिया और उन ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया और पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उन ब्राह्मणों में से एक ने उत्तर दिया, हमने सुना तुम विश्व विजय के लिए अर्थात विश्व की समस्त भूमि को प्राप्त करने के लिए निकले हो। तब अलेक्जेंडर ने हाँ मैं सी रिलाया। तब सभी ब्राह्मण हंसे और बोले, मूर्ख, तो किस भूमि के लिए यह सब कर रहा है जो तुझे मिलने भी नहीं वाली? तूने चाहे कितनी भी भूमि अभी तक जीत ली हो, परंतु वो भूमि तेरी नहीं है। इस बात से अलेक्जेंडर क्रोधित हो गया और उसने उन ब्राह्मणों से पूछा कि तुम लोग कैसे कह सकते हो कि वह भूमि मेरी नहीं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि अलेक्जेंडर, एक व्यक्ति के पास केवल उतनी ही भूमि होती है जितनी में उसे दफनाया जाता है अथवा जितनी भूमि पर उसकी चिता को अग्नि दी जाती है। यह सुनकर अलेक्जेंडर को अपनी त्रुटि का एहसास हुआ कि वह अपने लोभ के कारण उस भूमि के पीछे भाग रहा था जो मृत्यु के पश्चात भविष्य में किसी और की हो जाएगी। इस ग्लानी भाव के साथ अलेक्जेंडर ने वापस अपने राष्ट्र लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। परंतु अलेक्जेंडर ने अपने कुछ सत्रपों को भारतवर्ष में यवन सेना के प्रतिनिधि के रूप में रुकने का आदेश दिया और शेष सेना को पुनः लौटने का आदेश पारित कर दिया। जहां एक और यवन सेना पुनः अपने राष्ट्र लौट चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अब आचार्य चाणक्य अपने उस संकल्प को पूर्ण करने की योजना में जुट चुके थे, जिसके अनुसार उन्हें खंड खंड में विभाजित भारतवर्ष को एक अखंड भारत में परिवर्तित कर उसे एक नया सम्राट देना था। इस कार्य के लिए उन्होंने कुमार चंद्रगुप्त तथा अपने शिष्य अक्षय को तक्षशिला में ही रहने का आदेश दिया और स्वयं पाटलिपुत्र आ गए। पाटलिपुत्र में आचार्य चाणक्य मगध के मंत्री श्रीयक से बैठकर भूमि क्रय करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके उत्तर में श्रीयक उस प्रस्ताव को महामंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर उनसे आज्ञा ले पुनः आचार्य को सूचित करने को कहता है। मंत्री श्रीयक महामंत्री से बैठकर उन्हें भी आचार्य चाणक्य के प्रस्ताव के संबंध में बताता है। महामंत्री व रुचि उत्तर में सम्राट से आज्ञा लेने की बात कहकर श्रीय को शीघ्र सूचित करने का आश्वासन देते हैं। महामंत्री आचार्य चाणक्य के प्रस्ताव को सम्राट के समक्ष उपस्थित करते हैं, जहां सम्राट इस प्रस्ताव को नकार देते हैं तथा सम्राट अपने विश्वस्त प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस को आचार्य चाणक्य के संबंध में समस्त सूचनाएं एकत्र करने को कहते हैं। सम्राट के आज्ञा अनुसार अमात्य राक्षस आचार्य चाणक्य के संबंध में अपने सबसे विश्वस्त गुप्तचर को कार्य करने का निर्देश देता है। वह गुप्तचर आचार्य के संबंध में सूचना एकत्र कर अमात्य राक्षस को बताता है कैसे आचार्य चाणक्य मगध में गुरुकुल की स्थापना करना चाहते हैं, कैसे सम्राट ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा आचार्य चाणक्य के पूर्व जीवन के बारे में भी वह गुप्तचर अमात्य राक्षस को बताता है। अमात्य राक्षस आचार्य के संबंध में जानकर चिंतित हो जाता है अथवा अमात्य राक्षस जांच में जुट जाता है तथा गुप्तचर विभाग अध्यक्ष को आचार्य विष्णुगुप्त पर दृष्टि रखने का निर्देश देता है। गुप्तचर विभाग अध्यक्ष अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर सुसिद्धार्थ को आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में सूचना एकत्र करने हेतु भेज देता है। आचार्य चाणक्य को सूचना मिलती है कि मगध की अश्वशाला में बहुत सी अनियमितताएं हैं, तो वे तुरंत कुमार चंद्रगुप्त के सेनापति श्रीहरण तथा शिष्य अक्षय को अश्व का व्यापारी बन तक्षशिला आने का आदेश देते हैं। आदेश पाते ही सेनापति श्रीहरण तथा अक्षय तुरंत तक्षशिला से मगध की ओर प्रस्थान कर देते हैं। मगध के सेनापति भद्रशाह अश्वशाला अध्यक्ष तथा अश्वाधिकारी अनियमितताओं में लिप्त थे। महामंत्र सेना के विभिन्न विभागों की जांच करते हैं तथा सेनापति को सावधान करते हैं कि अगर अब भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो सम्राट तक इसकी सूचना पहुंचा दी जाएगी। इससे वह भी सेनापति अश्वाध्यक्ष से सब कुछ सही करने को कहता है। सब कुछ सही करने के लिए अश्वाधिकारी सोचते सोचते दुविधा में पड़ जाता है तथा इस दुविधा को दूर करने के लिए वह मदिरा ले जाता है, जहाँ उसकी प्रतीक्षा सिंहरन एवं अक्षय कर रहे होते हैं। वे दोनों उसके समक्ष एक नाटक करते हैं तथा उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। दूसरी ओर सेनापति
असुसाला के गर्भगृह में सम्राट के पुत्र सुतनु से गुप्त भेंट करते हैं। कुमार सुतनु सेनापति को सूचित करते हैं कि कैसे अवान्त राक्षस के कारण सम्राट ने सुतनु के सौतेला भ्राता कुमार सुकेश को युवराज घोषित कर दिया है तथा कुमार सुतनु सेनापति को यह भी बताते हैं कि कैसे इससे उन सभी का जीवन एवं पद असुरक्षित हो जाएंगे। यह सब सुनकर सेनापति ने कुमार सुतनु से उनकी योजना के संबंध में प्रश्न किया। कुमार सुतनु सेनापति को युवराज की हत्या करने की योजना बताते हैं तथा इस हत्या का आरोप सेनाध्यक्ष बलगुप्त मंडे को कहते हैं। सेनापति कुमार सुतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। सिंहरन अश्वाधिकारी को मूर्ख बनाते हुए उसे आचार्य चाणक्य के बारे में जानने की बात करता है। अश्वाधिकारी से यह सूचना सेनापति को प्राप्त होती है, इस कारण बद्रसाल सिंहरन से मिलने को तैयार हो जाता है। अगले दिवस सिंहरन सेनापति के समक्ष उपस्थित होता है तथा उनकी कुमार सुतनु संग असुसाला के गर्भगृह में गुप्त भेंट एवं उस भेंट में युवराज सुकेश की हत्या की योजना के संबंध में बताता है तो बद्रसाल अत्यंत चिंतित हो जाता है। तब सिंहरन बद्रसाल को एक प्रस्ताव देता है कि यदि बद्रसाल कुमार चंद्रगुप्त की सहायता करता है तो सेनापति को लाभ ही लाभ है, किंतु यदि सेनापति ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए हानि ही है। बहुत सोच विचार के पश्चात बद्रसाल कुमार चंद्रगुप्त तथा आचार्य चरण के बीच सहायता हेतु तैयार हो जाता है। योजना के अनुसार बद्रसाल सिंहरन को कुमार सुतनु के विशेष अंग रक्षक के रूप में नियुक्त कर देता है। दूसरी ओर कुमार चंद्रगुप्त कश्मीर नेपाल तथा अन्य तीन प्रदेश समेत 5 नरेशों से संधि स्थापित करते हैं, जिसके अनुसार मगध विजय के अभियान में इन सभी प्रदेशों की सेनाओं को कुमार चंद्रगुप्त की सेना का साथ देना होगा। रेखे राज ने अपने अनुज भ्राता आर्य पौरव राज को आचार्य चाणक्य मगध विजय के अभियान के लिए कुमार चंद्रगुप्त की सेना के संग जाने का आदेश दिया। यहाँ से पौरव राज को एक विचार आया कि उनके पुत्र मलय केतु टेके के स्थान पर यदि मगध का सम्राट बन जाएगा तो वह भारतवर्ष के सबसे बड़े सम्राट के पिता कहलाएंगे। अतः वह केके राज की आज्ञा अनुसार कुमार चंद्रगुप्त की सेना के संग सम्मिलित हो मगध के लिए प्रस्थान कर देते हैं। परंतु भीतर अन्य सभी सम्राटों के मस्तिष्क में मगध विजय पश्चात के राज्य विभाजन का विचार डालकर उन्हें राष्ट्र के संबंध में सोचने से अवरुद्ध कर देते हैं। कुमार चंद्रगुप्त सहित ये 5 सम्राट मगध से पूर्व एक स्कंदावर का निर्माण कर उसमें आचार्य चाणक्य के आगामी आदेश तक निवास करते हैं। दूसरी ओर मगध में कुमार सुकेश का युवराज पद ग्रहण समारोह दिवस तय किया जाता है। ये सूचना मिलते ही कुमार सुतनु तथा सेनापति समारोह से एक रात्रि पूर्व युवराज की हत्या की योजना बनाते हैं। समारोह पूर्व की उसी रात्रि मगध पर कुमार चंद्रगुप्त के आक्रमण की सूचना मिलते ही अमात्य राक्षस सभी अधिकारियों सहित एक युद्धाभ्यास के लिए नगर के द्वार पर लगी घंटिका का घंटनाद कर सभी सैनिकों को समझाते हैं कि अगर शत्रु नगर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है तो किस प्रकार सभी को तत्पर होना है। इसी घंटनाद के मध्य में आचार्य चाणक्य की योजना अनुसार बद्रसाल कुमार सुतनु को युवराज की हत्या का संकेत दे देता है। संकेत पाते ही कुमार सुतनु युवराज के कक्ष में जाकर युवराज की हत्या कर देता है। इसके पश्चात वो सिंहरन को एक कक्ष में भेजकर सेनाध्यक्ष बलगुप्त को भी वहां भेजने का आश्वासन देता है। अपने वचनानुसार सुतनु बलगुप्त को उस कक्ष में भेजने में सफल होता है तथा बलगुप्त की हत्या का दायित्व सिंहरन को सौंप निश्चिंत होकर सम्राट को युवराज की हत्या का समाचार सुनाने के लिए प्रस्थान करता है। परंतु उसे ये नहीं गया था कि आचार्य चाणक्य ने मगध के सभी देशी व्यक्ति को जीवित रखने का आदेश सिंहरन को दिया था, जिसके अनुसार सेनाध्यक्ष बलगुप्त का जीवित रहना आवश्यक था। अतः सिंहरन बलगुप्त को उस कक्ष से एक गुप्त सुरक्षित कक्ष में स्थानांतरित कर देता है। इसके पश्चात जब कुमार सुतनु सम्राट को युवराज की हत्या की सूचना देकर उस कक्ष में पहुंचता है तो वहां सिंहरन एवं बलगुप्त को न देख कर सारा खेल समझ जाता है तथा सेनापति बद्रसाल को सूचित करता है। यह सब सुनकर सेनापति आचार्य चाणक्य के पास जाता है, उनसे प्रश्न करता है, आचार्य मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों? तब आचार्य उत्तर देते हैं, मगध के विश्वासघातियों के साथ विश्वासघात इसमें अनुचित क्या है? तब सेनापति अपने लिए आगे का मार्ग पूछता है तो आचार्य चाणक्य उसे वीर गति को प्राप्त होने का कह देते हैं। अतः कोई मार्ग शेष न होने के कारण सेनापति आत्मत्याग कर लेता है। वही सिंहरन कुमार सुतनु की हत्या कर देता है, परंतु सुतनु के सैनिकों द्वारा वीर गति को प्राप्त होता है। इस अचानक हुए गृह युद्ध के कारण केवल अमात्य राक्षस गुप्तचर विभाग अध्यक्ष सेनाध्यक्ष बलगुप्त एवं सुसिद्धार्थक ही जीवित बचते हैं। अब आचार्य चाणक्य सुसिद्धार्थक से भेंट कर उसे अपना परिचय देते हुए मगध के सहायता के लिए कार्य करने का आदेश देते हैं। मगध के सैनिक सम्राट धनानंद को सूचना देते हैं कि कुमार सुतनु एवं सेनापति की भी हत्या हो चुकी है, अतः अब सम्राट मुक्त है। पूर्ण रूप से हताश धनानंद आचार्य सत्तार को बुलाता है तथा उन्हें गृह शत्रु द्वारा हुए इस युद्ध का समाचार देता है तथा शेष जीवन के लिए मार्ग पूछता है, जिसके उत्तर में आर्य सत्तार उसे वानप्रस्थ का मार्ग सुझाते हैं। साथ ही उसे आचार्य चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाने का निर्देश देते हैं। दयानंद आचार्य चाणक्य को प्रधानमंत्री बना देता है। प्रधानमंत्री बनते ही आचार्य चाणक्य दयानंद को वानप्रस्थ के बहाने नगर से बाहर निकालकर उसकी हत्या करवा देते हैं। तत्पश्चात आचार्य चाणक्य सुसिद्धार्थक को पौरवराज की हत्या की योजना समझाते हैं। सुसिद्धार्थक आचार्य की योजना अनुसार पौरवराज की हत्या कर उसका आरोप अमात्य राक्षस पर डालकर मलय केतु तथा अमात्य राक्षस को एक होने से रोक देता है। उसके बाद मलय केतु को बंदी बना लिया जाता है तथा उनके साथ ही 4
राजाओं के मध्य आचार्य चाणक्य सूर्य सिद्धार्थ के माध्यम से फूट डलवा कर उन्हें भी एक दूसरे की हत्या करने पर आतुर कर देते हैं और आचार्य का ये प्रपंच सफल होता है। इतना सब कुछ हो जाने के कारण अब मध्य राक्षस तथा गुप्तचर विभाग अध्यक्ष के पास और कोई मार्ग शेष नहीं होता है तो वे आचार्य के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। परंतु जब वहाँ वे अपने विश्वास पात्र सूर्य सिद्धार्थ को आचार्य के साथ देखते हैं तो उन्हें आचार्य का सारा प्रपंच समझ आ जाता है। तब आचार्य अमात्य राक्षस को कुमार चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। अमात्य राक्षस आचार्य की राष्ट्रभक्ति से प्रभावित हो उनका यह आग्रह स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार आचार्य मगध तथा भारतवर्ष को चंद्रगुप्त के रूप में एक योग्य सम्राट देते हैं। भविष्य में आचार्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार तथा चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक को भी शिक्षा देते हैं। सम्राट अशोक के समय वे वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं तथा अर्थशास्त्र नामक महानतम ग्रंथ की रचना करते हैं। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का ही नहीं है पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपने सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्राय विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया तो इस राष्ट्र को अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा।